देखिए मेरे को तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर उनके पास है तो नहीं मालूम क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा कि मैं थोड़ा डिलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूँ। मैं 2009-10 में, 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिख कर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफी जरूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमजोरियां हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस बीजेपी से मर्ज होगी या टीआरएस बीजेपी से अलायंस करेगी? ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है, मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबार में रिपोर्ट हुआ मगर है। नहीं, सर इस पे अब आपके सवाल का मैं आपको बोल रहा थोड़ा, मैं ये वो कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी। अब इस पर आप पूछिए उनसे। नहीं हरे सर जी इस पे किए तो मना किए सर, मगर आपके नहीं सजेशन मना, से नहीं कैसा नहीं रहेगा? नहीं देखिए आप इनसे पूछिए ना। भाजपा तो यही सवाल कर रही है कि हमारा क्या फायदा होगा, एक सांसद अरे नहीं है मेरे आपका? को क्या मालूम, नहीं, अगर आपको अगर ऐसा डाउट हो रहा है ना तो क्या बदल नहीं रही नहीं है म, आप? म, देखिए मैं जो अखबार में पढ़ा और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें बात रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये। और उसमें तो हमारे एक्स एमपी विनोद साहब का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, एक्सप्रेस में बोले हो एनीथिंग कैन हैपन, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। तो मैं जो बात 2008-09 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा है वो ठीक है, आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करें, अभी भी करते कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें? सर आप भी